चलो बेटा अब करते एक्सरसाइज 9.2। एक्सरसाइज 9.2 स्टार्ट करने से पहले एक वर्ड है हमारा सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है आप लोगों ने तो लिख ही लिया। सॉल्यूशन क्या है? अ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ फंक्शन बाय मींस ऑफ व्हिच डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी फॉर्म। सॉल्यूशन क्या है? बेसिकली वो इक्वेशन जिससे डेरिवेटिव वाली इक्वेशन फॉर्म हो सके। समझ आई ना? तो हाँ क्यों बोला जब समझ नहीं आई? चलो दूसरी भाषा बोलते हैं, इन सिंपल वर्ड द फंक्शन विच सेटिस्फाई द डिफरेंशियल इक्वेशन, वो फंक्शन जो डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। ठीक है समझ आई? नहीं लाया ना समझ? मैंने समझाया नहीं तो आएगा कहाँ से? सिंपल सी बात है, मैं तो देख रहा था। अब मैं समझाता हूँ, आओ समझाते हैं। अब एक्सरसाइज इसको समझाने के लिए मैं क्वेश्चन पिक करता हूँ, देखो क्या है। क्वेश्चन पढ़िए एक बार, y डबल डैश माइनस y डैश। क्वेश्चन सीधा सा ये है, क्वेश्चन 1 to 10 में वेरीफाई करना है कि जो पहली क्वेश्चन दे रखी है वो दूसरी की सॉल्यूशन है या नहीं है, यानी ये चेक करना है कि क्या ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। सॉल्यूशन मींस कि या तो इससे ये ऑप्टेन हो जाए या इसको पुट करने पर मैच कर जाए, सेटिस्फाई हो जाए क्वेश्चन। बात समझ आई? देखो कैसे, देखो आप लोग ही बताओगे कि है या नहीं है। y डैश करूँ जरा, क्या y डैश क्या होगा? e की पावर x, सेकंड डेरिवेटिव है ना, y डबल डैश क्या हो जाएगा? e की पावर x। ये वैल्यू क्या करूँ, पुट 1 इन 2 डाल दू, हाँ जी y डबल डैश इज इक्वल टू y डैश के इक्वल क्या हुआ? नहीं आई समझ, e की पावर x था, यहाँ पुट कर दिया। ठीक है अब इसको यहाँ शिफ्ट कर दो, y डबल डैश क्या हो गया, बन गई, इसी से ये क्वेश्चन बन गई, नहीं बन गई? दोबारा भाई ये चेक करना है, दो तरीके से कराऊंगा। पहला ऑप्शन y डैश क्या हो जाएगा, e की पावर x, सेकंड डेरिवेटिव है ना यहाँ पे, एक और बार डेरिवेटिव करो क्या बनेगा, e की पावर x फर्स्ट सेकंड। क्या इस e की पावर x की जगह मैं y डैश लिख सकता हूँ ऊपर से? यस ऑर नो, पुट 1 इन 2 y डबल डैश इज इक्वल्स टू y डैश, इधर डाल दो क्या हो जाएगा, y डबल डैश माइनस y डैश इज इक्वल्स टू 0। बोलो यहाँ तक क्लियर, यस ऑर नो? बन गई ये क्वेश्चन, यानी ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं है, एक तरीका हो गया ये। ठीक है ऑल्टरनेटिव वे भी है, अगर आपको कभी टफनेस लगे तो ऑल्टरनेटिव हम क्या कर सकते हैं, एग्जैक्टली इन दोनों की वैल्यूज पुट कर दो। अभी तो मैंने इक्वेशन बनाई थी राइट, कैसे y इज इक्वल टू e की पावर x प्लस 1 है, y डैश क्या होगा, e की पावर x, y डबल डैश e की पावर x, ये पुट कर दो किस में, LHS। LHS क्या है, y डबल डैश माइनस y डैश, y डबल डैश कितना है, e की पावर x, y डैश कितना है, e की पावर x, यानी किसके इक्वल बैठा, 0। एक मिनट क्लियर हो गई? ठीक है पानी वानी दो बच्चे को, क्लियर? चलिए वापसी आते हैं बेटा। अगर आप देखो आप ऐसे भी कर सकते हो कि वैल्यू पुट कर दो या इक्वेशन बना लो। कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां वैल्यूज ही पुट करनी होगी और कोई क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। ओके ये प्रैक्टिस से आ जाती चीज, बाकी कोई भी क्वेश्चन अटक जाओ तो वैल्यू पुट करके तो हर क्वेश्चन हो जाएगा, ये ध्यान रखना, वो रामबाण है। अब एक वर्ड सिखाते हैं जनरल सॉल्यूशन, जिस स्कूल में पढ़ा हुआ है चैप्टर उसी से पूछना चाहूंगा बेटा मैं, जनरल सॉल्यूशन किसे कहते हैं, थोड़ा तो दिमाग लगाओ, जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? तो जनरल, बिल्कुल सही कहा जनरल, बताता हूँ एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं इसे। मान लो मैं ये क्वेश्चन पिक कर रहा हूँ, वाई इक्वल्स टू ई की पावर एक्स प्लस सी राइट, क्या ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, नहीं करता, करेगा? खुद सोच के बताओ, करेगा? तो यानी ये इसका क्या हुआ,
दिस इज द जनरल सॉल्यूशन. कौन जनरल सॉल्यूशन होगा, ऊपर वाला नीचे वाला? ऊपर वाला. सिंपल सॉल्यूशन का मतलब बिना डेरिवेटिव के काम खत्म, यानी बिना डेरिवेटिव के वो इक्वेशन जो डेरिवेटिव करने के बाद सेटिस्फाई कर दे, दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन. बात नहीं समझ आई, दोबारा बोलो. सबसे पहले तो एक बात बताओ, इनमें से डिफरेंशियल इक्वेशन, पहले एक बात सुन लो, एक डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, उसका सॉल्यूशन होता है. मेरे को ये बताओ इनमें से डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी, नीचे वाली डेरिवेटिव का इन्वॉल्व है, नीचे वाली डिफरेंशियल, तो सॉल्यूशन क्या होगा विदाउट डेरिवेटिव. पॉइंट क्लियर हो गया, यानी ओरिजिनल इक्वेशन आप कह सकते हो. अब अगर सॉल्यूशन में आपका आर्बिट्री कांस्टेंट है, क्या है आर्बिट्री कांस्टेंट, तो नहीं बोला गया होगा थे बच्चों से, सेटिस्फाई करता ही नहीं करता, पहले समझ ही लो. इसमें therefore y is equals to e की पावर x plus c क्या हुआ, is the general solution of, इसका general solution हो गया y double dash minus y dash is equals to zero का. clear, general solution क्या है, जहां arbitrary constant में number हो, constant की जगह एक number, sorry number ना हो, variable हो, alphabet हो. c a b d ये सारे क्या है, arbitrary constants. क्या ये आर्बिट्री कॉन्स्टेंट, पॉइंट क्लियर. क्या ये वेरिएबल है सी? नो. इंटीग्रेशन पढ़ा था, इंटीग्रेशन में सी क्या रिप्रेजेंट करता है, आर्बिट्री कॉन्स्टेंट, कि वो कॉन्स्टेंट जिसका एक्चुअल नंबर क्या मेरे को नहीं पता, बट एक वो कॉन्स्टेंट है. क्लियर. तो जनरल सॉल्यूशन क्या हुआ, equations ya solutions involving arbitrary constants. bol itna point clear, itna clear to pehle note karo fir aage chalte hain. okay, ab point number kaun sa hai, 7 na, particular solution. कनक आप बता सकते हो बेटा पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या चीज हुई, आपने टॉपिक पढ़ा हुआ ऑलरेडी, बता सकते हो? एक मिनट रुक जाओ, मैं ऑनलाइन पूछ रहा हूँ. सॉल्यूशन इन्वॉल्विंग फिक्स कांस्टेंट, कुछ बात समझे बेटा, कांस्टेंट और कांस्टेंट या फिक्स कांस्टेंट बोलू या आर्बिट्री कांस्टेंट, इसमें फर्क समझ आया किसी को? क्या ए बी सी क्या ये वेरिएबल है, क्या है ये आर्बिट्री कांस्टेंट है, और 1 2 3 इसी भाषा में सब कांस्टेंट भी बोलते हैं, देसी नहीं सॉरी कांस्टेंट भी बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में. पॉइंट क्लियर, जिसकी वैल्यू नोन है. पॉइंट क्लियर. एक नोट आता है, 1 मार्क का क्वेश्चन है इसके ऊपर बेस्ड बेटा, नोट ऑनलाइन में जो जो एक मिनट ऑनलाइन में जिसको मैं ऑडिबल हूँ एक बार अपना नाम बोले. नाम बोले अपना, प्रेजेंट है, ठीक है. ओके, अब है क्या, इन पर्टिकुलर सॉल्यूशंस, पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इज, नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट जीरो. क्या मतलब है समझाता हूं, इन जनरल सॉल्यूशन क्या हुआ, स्पेलिंग गलत है ना, कोई बात नहीं, उससे कोई मतलब, आर्बिट्री की स्पेलिंग आपकी बुक में लिखी हुई है, ARBITRARY, ठीक है. इन जनरल सॉल्यूशन
इन जनरल सॉल्यूशन ऑफ nth ऑर्डर इन जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर द नंबर ऑफ आर्बिट्री कॉन्स्टेंट इज n. सिंपल लैंग्वेज में मैं कहना क्या चाहता हूँ, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में ए बी सी यूज नहीं होंगे बेसिकली, वहां पे क्या रहेगा, वहां पे कितने आर्बिट्री कॉन्स्टेंट होंगे, तो एक्चुअली मैंने बोला अदरवाइज अगर ए बी सी हो गए वो क्या बन जाएगा, जनरल सॉल्यूशन. पॉइंट क्लियर? और जनरल सॉल्यूशन में कितने होते, जितनी उसकी आंसर लो, जितना डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर उतने ही आर्बिट्री कॉन्स्टेंट आते हैं सॉल्यूशन में, जितना डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर उतने ही कॉन्स्टेंट आते हैं सॉल्यूशन में. बोलो पॉइंट क्लियर? यानी अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है तो कितने होंगे आर्बिट्री कॉन्स्टेंट, किस में, पर दो किस में होंगे, जनरल में, और पर्टिकुलर में कितने होंगे बेटा, जीरो. जरा क्वेश्चन नंबर अपना 11 और 12 देख लो जल्दी से, इसका आंसर बताओ अपने आप. और मैं तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूं 6. फर्स्ट का आंसर क्या हुआ, नंबर ऑफ आर्बिट्री कॉन्स्टेंट फोर्थ ऑर्डर. एक मिनट बेटा, फोर्थ ऑर्डर के अंदर कितने आर्बिट्री कॉन्स्टेंट आएंगे, जनरल में 4 और पर्टिकुलर में 0. पॉइंट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6 अटेम्प्ट करूंगी मैं, कर रहा हूं. ओके, वाई इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स. ओके, आप लोग अटेम्प्ट करिए, मैं तब तक क्वेश्चन लिख देता हूं. एक्स वाई डैश इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. टाइम दूंगा इसके लिए, अटेम्प्ट करिए राइट नाउ. नॉर्मल है बेटा क्वेश्चन, आइए देखते क्वेश्चन 6 क्या है. वाई इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स, एक्स वाई डैश, ये एक्स वाई डैश है ठीक है, इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स. हाँ जी, दो तरीके इसको करने के, बताओ कैसे कर सकते. पहला इजी तरीका, फिर लंबा, मैं लंबा कराता हूँ. हाँ आगे बोलो. वाई इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स, वाई डैश निकालो, क्या हो जाएगा सर, क्या लगेगा इस पे, प्रोडक्ट रूल लगाओ इस पे. एक मिनट, फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 यानी साइन, 1 इंटू साइन एक्स प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स इंटू एक्स यानी एक्स कॉस एक्स. बोले यहाँ तक क्लियर, यस और नो? ओके, नाउ सिंगल डेरिवेटिव है, अब क्या करूँ सर, मेरे पास के दो तरीके, ध्यान से देखो. पहला क्या है, मैं जैसा यहाँ पे कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे चाहता था तो मैं वाई बाई एक्स भी कर सकता था, अभी बताऊंगा भी उसका यूज, मल्टीपल वेज आते हैं इसके. सबसे बेस्ट तरीका वैल्यू पुट कर दो, या तो वो थोड़ा सा लेंदी पड़ेगा ठीक है. दूसरा तरीका क्या है, मैं वाई बाई एक्स भी निकाल सकता हूँ यहाँ से, वाई बाई एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स, ऐसे भी कर सकता था. तो उस पर क्या लगता, क्वेश्चन रूल राइट. हाँ, क्वेश्चन बेकार नहीं है, चलो ये भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ, अभी मैं इसे दिखाऊंगा, रेडी, विदाउट क्वेश्चन रूल ही करते हैं ऐसे ठीक है. विदाउट आपने बोला है ना, उसी के साथ करके दिखाऊंगा. देखो मैं क्वेश्चन को चेंज करने जा रहा हूँ, ध्यान सुन लो. पहला ऑप्शन तो मैं वैल्यू पुट कर दूँ, मैं उस पर नहीं कर रहा जान पूछ के, क्योंकि मेरे को प्रैक्टिस ऐसी चाहिए कि जहाँ मैं क्वेश्चन सीधा फॉर्म करूँ. बट इस साइन एक्स की जगह, इस साइन एक्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे आप पढ़ सकते हो क्या लिखा हुआ है, एक्स कॉस एक्स. इस साइन एक्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, वाई बाई एक्स. बोलो यहाँ तक क्लियर, एक्स. अब कॉस एक्स को तो मैं लिख नहीं सकता वाई बाई एक्स, बट कॉस एक्स को मैं तो क्या लिखता हूँ साइन, याद है कॉस एक्स को, बोलो लाउड, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स. बट ये सारा ये 9.2 है ना हमारी डेरिवेटिव चैप्टर, ये चैप्टर 5 का कॉन्सेप्ट है ये, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स. कितने बच्चों की बात पता है, अब साइन स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट 1 माइनस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर. क्लियर? वाई डैश वाई बाई एक्स प्लस एक्स अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर. बोलो यहाँ तक क्लियर, कंफ्यूजन किसी को, नो. वाई डैश वाई बाई एक्स प्लस एक्स, अब क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस
वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, बोलो क्लियर। एक्स स्क्वायर रूट से बाहर आके एक्स स्क्वायर रूट से बाहर आके एक्स हो गया, मैं काटने का जानबूझ के, क्यों यहां से क्या आ सकता है कॉमन, वन बाय एक्स कॉमन वाई प्लस एक्स रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर दो एक्स डैश वाई प्लस एक्स रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बन गई। पॉइंट क्लियर, कैसे करा क्या एक बार फिर से सारा शुरू से तब बोलना, दूसरा मेथड मतलब पुट करके, पुट करके भी करा देते हैं, चलिए देखिए पुट करके भी करा देते हैं ऑल्टरनेटिव इसका, आप मेरे को बोलो मैं वैसे करा देता हूँ, बोलो आपने कैसे करा, y = x sin x y डैश लिया, ओके ऑनलाइन में कह रहे कि x को मल्टीप्लाई कर दिया तो भी चलेगा, ये हो गया मेरा sin x plus x cos x, ठीक है। किसी का कह रहे कि सर मैंने क्या करा यहाँ पे वैल्यू पुट, बेसिकली x को मल्टीप्लाई कर दिया, मैं बोलूँ यहाँ पुट कर दिया, पुट इन LHS, देखो LHS में क्या होगा, x y डैश कितना हुआ, x sin x plus x cos x, राइट, x sin x प्लस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, यहां तक बन गया, इसके आगे नहीं आया होगा, क्या कर दिया आपने, दूसरा आप क्या करो, अब इससे सॉल्व तो नहीं रहा, क्या कर दूंगा अब, क्या कर दूं मैं अब, एक्स साइन एक्स को वाई लिख दूंगा, चलो क्योंकि वाई, और कॉस एक्स को क्या लिख दूंगा, क्या अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर को आप साइन स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं मैं, साइन एक्स को वाई बाई एक्स, अल्टीमेट घूम के वही आएगा, या आप चाहते हैं आप यहां के बाद जैसे यहां पे करा ना इसके बाद आर एच एस पे पुट कर सकते थे वैल्यू, कंफ्यूज कहां से आर एच एस में कैसे करेंगे, बाकी सबके क्लियर है, पुट इन आर एच एस बेटा, बिल्कुल वो चीज़ कर सकते हैं क्योंकि यहाँ कन्फ्यूजन आ रही है, वाई प्लस क्या है मेरा, वाई प्लस एक्स रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यही है ना, वैल्यू डालो वाई कितना है, एक्स साइन एक्स प्लस एक्स रूट में एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर कितना है, एक्स साइन एक्स का होल स्क्वायर, राइट, अब एक्स साइन एक्स प्लस एक्स रूट में एक्स पर माइनस एक्स पर साइन पर एक्स, क्लियर होगी बेटा, यस और नो, आया ना, कॉमन ले लो, कॉमन क्या है यहाँ से, वन माइनस साइन पर एक्स पर का एक्स बाहर, वन माइनस साइन पर क्या बनता है कॉस, तो एक्स पर कॉस एक्स रूट में था ना इसलिए स्क्वायर कट गया, आया घूम फिर के वही इक्वल्स टू एलएचएस, क्लियर, चलो आगे जिसका क्वेश्चन नंबर 7 और 4 अटेम्प्ट करो।